लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश की केंद्रीय पार्टियां लगातार अपना दमखम दिखाने में जुड़ गई हैं। इसी के तहत भाजपा लगातार कांग्रेस के ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी को पार्टी में सम्मिलित किया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदौलिया ने विरोध जताया है। गणेश गोदौलिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वे लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने में जुटे हैं। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले भी कहा अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है, अब उस अनदेखी से डर कर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देकर और बतेरे कार्यकर्ताओं को जांच का डर दिखाकर अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मेरा उन लोगों से भी निवेदन है कि कांग्रेस ने अतीत में उन लोगों को तब रोपा जब वो छोटे पौधे थे, आज वो मजबूत जड़ों के साथ विशाल वृक्ष हैं, तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि आज उनकी जड़ों को भारतीय जनता पार्टी और धन सिंह रावत उखाड़ देंगे। धन सिंह रावत के अंदर वो ताकत नहीं है कि वो मजबूत जड़ों के उन वृक्षों को उखाड़ सके।